हेलो लर्नर्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल थॉट की नाउ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी थ्योरीज काफी टाइम से डिस्कस की जाती है जिसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि एंटरप्रेन्योर्स किस टाइप के होते हैं व्हाट आर द दैट दे हैव वेदर दे आर बोर्न वेदर दे आर मेड कैन एंटरप्रेन्योरशिप बी टॉट ये सब चीजें इन सब थ्योरीज में डिस्कस की जाती है ब्रॉडली जितने भी थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है उसको तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई uh, किया जाता है one is according to functional characteristics second is according to personality types of entrepreneurs and third is according to the entrepreneurship uh, schools of thought functional characteristics and personality types discuss in this video we will be focusing our attention on the schools of thought of entrepreneurship so broadly speaking there are six schools of entrepreneurial thought schools of thought to schools of thought is basically nothing but कि किस तरह से आप अंतरप्रीनरशिप को अप्रोच करते हो या किस तरह से आप अंतरप्रनोरशिप को किस नजरिए से देखते हो वट इज योर ओपिनियन अबाउट द एंटायर डिसिप्लिन ऑफ अंतरप्रोनोरशिप तो ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर सिक्स स्कूल वन इज द ग्रेट पर्सन स्कूल ऑफ अंतरप्रनोरशिप सेकेंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्कूल ऑफ एंटरप्रोनोशिप थर्ड इज द क्लासिकल स्कूल ऑफ अंतरप्रोनरशिप फोर्थ इज द मैनेजमेंट स्कूल ऑफ अंतरप्रोनरिप को रखते हैं अब ये हैं कि या जो भी, uh, या जो भी, जो भी ये स्कूल को मानते हैं जैसे कि हाई सेल्फ स्टीम एनर्जी विजन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ये स्कूल ये भी आर्ग्यू करता है कि आंतरप्रनोर्स के डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिजिकल अट्रैक्टिवनेस उनकी होती है एंड दे आर सपोज टू बी कैरिस्मैटिक दे आर सपोज टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड डायनेलिटी तो ये स्कूल ऑफ थॉट उधर से आ, आता है नेक्स्ट स्कूल ऑफ एंड आंतरप्रीनोरशिप अब ये स्कूल में आ, विश्वास रखने वाले लोग ऐसा मानते हैं किस यूनिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड

एंड इट बिलीव दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आर द की फैक्टर्स करने की जगह पे वो ये फोकस करता है कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन हो चाहे सर्विस इनोवेशन हो या क्रिएटिविटी जिसको ज्यादा क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान रहता है अगर ये दोनों चीजें क्रिएटिविटी और इनोवेशन अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो दे कैन दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स आंट्रप्रनोरशिप फर्दर उनके जो एक्शन है वो

कि सिखाई जा सकती है। It can be taught. है देखिए क्या फर्क आ रहा हम लोगों ने जो great person या psychological में बोला पे मैनेजमेंट स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है इट कैन बी टॉट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने ब्रेक डाउन किया इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है तो एंटरप्रेन्योर प्लान्स ऑर्गेनाइजेस कोर्डिनेट्स एंड बजेट बेसिकली मैनेजमेंट के जो चार फंक्शंस होते हैं वही फंक्शन से आंतरप्रनोर करता है तो जिस तरह से आप नॉर्मल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं बी स्कूल्स के के अंदर MBA colleges के अंदर एमबीए कॉलेजेस जिस तरह से आप मैनेजमेंट पढ़ाते हैं उसी तरह से आप आंतरप्रनोरशिप को भी पढ़ा सकते हैं उसको सिखा सकते हैं अगर आप किसी व्यक्ति में ये चार स्किल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग एंड बजटिंग अगर ये चार स्किल्स अगर किसी भी व्यक्ति को सिखाएं तो कोई भी व्यक्ति वेदर उसका बैकग्राउंड है कि नहीं है हेरिडिटी में है कि नहीं है फैमिली बिजनेस है कि नहीं है

लीडरशिप स्कूल ऑफ आंट अब लीडरशिप स्कूल ये बोलता है कि का जो सबसे, सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी लीडरशिप स्किल्स कितनी है द स्किल्स लाइक

to do something to achieve something. so this school of thought believes that entrepreneurship is nothing but leadership. last to school of thought hum log padhenge that is the entrepreneurship school of entrepreneurship. now ye school evolve hua due to lack of innovation in existing organization. कि कभी ye सब companies को सब corporates को सब existing organizations को realize हुआ that we all are reaching towards stagnation. मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं स्टैगनेशन आ रहा है सो दैट इज वेयर नीड फॉर इनोवेशन वाज रिक्वायर्ड बट इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग न्यू कॉर्पोरेशन एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन दे एनकरेज देर एम्प्लॉज

या फिर मोटिवेशनल uh, सेमिनार्स के द्वारा करती है टू कम अप न्यू न्यू बिजनेस आइडियाज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। स्कूल ये जो हम लोगों ने छ स्कूल डिस्कस किए हैं इनमें से कोई भी एक स्कूल ऐसा नहीं बोल सकता नहीं, हमारा ओपिनियन है वो परफेक्ट है एंड दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब एनौर आप आस पास में अपने स देखेंगे तो आप देखेंगे कि people, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ लोग सीख के बनते, कुछ लोग होते हैं, होते हैं, कि भाई जो हम लोगों ने बोला है जो हमने थ्योरी घड़ी है वो कम्प्लीट होगी इनफैक्ट अभी भी रिसर्च चल रही है एंड पीपल माइट कम अपूर एंड न्यूअर थ्योरी वर्ल्ड प्रोसीड फॉरवर्ड

Uh, यहाँ तक अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज अगर कमेंट डालते हैं लाइक करते हैं तो और कुछ नहीं एल्गोरिदम के अंदर मेरा वीडियो ऊपर आ जाता है आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं इसके बट एटलीस्ट एक ईगो बूस्ट हो जाता है कि बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है मेरे साथ सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद्रम्पी प्रोफेसर बाय बाय